नमस्कार, इंडिसिन न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इंडिसिन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर FIR दर्ज, तो वहीं पहलवानों को हिरासत में लिए जाने पर विपक्ष हुआ हमलावर। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन देश को सौंपा, इस दौरान नए संसद भवन के निर्माण में जुटे कर्मियों को किया गया सम्मानित। श्रीहरिकोटा ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NMS-01। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना पहचान पत्र 2000 रुपए के नोटों को बदलने के खिलाफ याचिका की खारिज। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स की बुलाई बैठक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद शुरू किया सर्च ऑपरेशन। आज CID करेगी अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर हुए हमले की जांच। RBI ने सभी सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों के निदेशक मंडल की बैठक बुलाई। रविवार को बारिश से चला IPL फाइनल मैच, आज होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में IPL का फाइनल मुकाबला। और रणदीप हुड्डा की फिल्म सावरकर का टीजर हुआ रिलीज, विनायक दामोदर सावरकर की जिंदगी पर बेस्ड है ये फिल्म, आज है उनकी 140वीं जयंती।